एंड भारत से अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ मिलेगी? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 1980 में सुजुकी ने मारुति सुजुकी करके कंपनी बनाई थी। 2003 में वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। आप एक्टिव में तभी निवेश करेंगे जब वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। हमारी साइज बड़ी हो गई है, मार्केट इफिशियंट हो चुका है, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए हमारी वैल्यू एड दिखाने का। खाने का सबसे ज्यादा मजा तो डेजर्ट में ही है, लेकिन सिर्फ डेजर्ट खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। बस ये थीमेटिक और सेक्टर फंड है ना आपके, डेजर्ट है, मजा तो बहुत आता है, बट बहुत ज्यादा लेंगे तो डायबिटीज होने का डर है। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के लिए मैं एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन यूज करना चाहूंगा, जो पत्नी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। इक्विटी लिंक सेविंग्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैमिली से करे प्यार वो ईएलएसएस से कैसे करे इनकार। आप एसआईपी के जरिए भी आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और आप लमसम निवेश करके लंबी अवधि देके आपके निशान पे मॉक्स पे पहुंच सकते हैं। बट ये सारी चीजों में जरूरी है डिसिप्लिन, ये सारी चीजों में जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी गेट अ स्पीकर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ है वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर निलेश शाह। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक एएमसी। ही हैज लेड हिज टीम टू द बेस्ट फंड हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड एट ऑल द म्यूचुअल फंड्स वेयर ही हैज वर्क, व्हिच इज कोटक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड। Mr. Nilesha is a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. He is a member of the board of Association of Mutual Funds in India, AMFI, and a member of COBOSAC Committee of SEBI. Mr. Nilesha is also the president of India's oldest Chamber of Commerce, which is the Bombay Chamber of Commerce and Industry in the city of Mumbai. Mr. Nilesha is a gold medalist chartered accountant and a merit ranking cost accountant. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन दिस वीक। तो इस हफ्ते हमने यू नो वीव गॉट समवन हु इज़ वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री, मिस्टर निलेश शाह। आप आई एम श्योर उनके बहुत सारे वीडियोस पहले देख चुके हैं। वी आर ट्रूली ऑनर टू हैव हिम अगेन इन आर एपिसोड। सो निलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम श्योर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं फ्रॉम ऑल द आंसर्स दैट यू गोइंग टू गिव अस टुडे। सो आई थिंक विदाउट यू नो एनी मोर यू नो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके सारे आंसर्स यू नो को सुनने के लिए। तो आई थिंक सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू नो देयर वाज अ टाइम जब एफआईआईज डिसाइड करते थे कि इंडियन इक्विटीज का डायरेक्शन क्या होगा, एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता था फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है सिर्फ 0.6 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया को एलोकेट किया है कंपेयर टू 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू चाइना, एंड ऑफ कोर्स चाइना काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। तो आपके ओपिनियन में डू यू थिंक एफआईआईज अब वापस इंडिया की तरफ आने वाले हैं कंसिडरिंग द हायर जीडीपी नंबर्स, एंड आपको यू नो डू दीज इंडिकेटर्स रियली आर हेल्पफुल? कि आपको लगता है कि अब अगर यू नो एफआईआईज इनफ्लो बढ़ेगा भी तो विल इट हेल्प इन एनी वे? एंड FIs अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ जाएगा या स्मॉल कैप की तरफ? सो नम्रता जी, FII एक कोई सिंगल एनिमल नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न लोग है। कोई लॉन्ग ओनली फंड है, कोई हेज फंड है, कोई सॉवरिन फंड है, कोई ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है, कोई एक्टिव पैसा मैनेज करता है, कोई पैसिव मैनेज करता है। लेकिन एक चीज तय है कि एज ए निवेशक आप हमेशा पैसा बनाना चाहेंगे, एंड भारत से अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ मिलेगी? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 1980 में सुजुकी ने मारुति सुजुकी करके कंपनी बनाई थी। 2003 में वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। 2003 से 2023 के बीच में देखे
तो मारुति का मार्केट कैप सुजुकी से दुगना हो गया है। मारुति सुजुकी में एक शेयर नहीं रखता, सुजुकी तो मारुति के 50% से ज्यादा ओनर है। उनका मार्केट कैप है 20 बिलियन, मारुति का है 40 बिलियन। तो बेसिकली सुजुकी का पूरा बिजनेस पूरी दुनिया में जीरो वैल्यू है, सिर्फ भारत के मारुति की ही वैल्यू है। ये जो मारुति सुजुकी ने करके दिखाया है वो तकरीबन सारी भारतीय कंपनी, चाहे वो मल्टीनेशनल से ओन हो चाहे हमारी हो, दुनिया में कर सकती है। दूसरी चीज है कि मारुति का रिटर्न अगर आप देखें तो होंडा, टोयोटा, निसान और सुजुकी, ये चारों के रिटर्न से ज्यादा है। तो जब तक एफपीआई रैशनली निवेश करेंगे पैसा बनाने के लिए, तो भारत से अच्छा मौका उन्हें शायद ही कहीं और मिलेगा। वंडरफुल। सो यू डू थिंक कि अभी एफआईआर शायद वापस अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे इंडिया की तरफ? डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन? 110% सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत एफपीआई से जिन्होंने भारत में पहले से निवेश करके रखा है, आज भी तकरीबन 17% हमारी जो मार्केट कैप है वो एफपीआई के पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में प्रॉफिट बुक करके निकल गए, इधर उधर भटक के वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। भारत में एक कह सकते हैं 3G है। फर्स्ट जी है ग्रोथ का। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ दूसरे देशों के सामने बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा जी है गवर्नेंस का। हम लोगों के कैपिटल को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी तरह उसे मैनेज करते हैं। और 3G है ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन का। हम दुनिया की लोएस्ट पर कैपिटा कार्बन एमिटर है। 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, बट छोटी छोटी इकोनॉमी से कम हम पर कैपिटा कार्बन एमिट करते हैं। तो जब तक हमारे पास ये 3G है, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, तब तक एफपीआई का निवेश हमारे वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, सो यू नो नीलेश जी, अभी हम सबको पता है कि पिछले साल में, ओवर द पास्ट ईयर, स्मॉल कैप्स ने करीब 34% एवरेज यू नो रिटर्न्स दिए हैं, वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसने करीब 38% दिया है। अगर हम 24 जो स्मॉल कैप फंड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी देखें, तो करीब सिर्फ 7 फंड्स ने जो है बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों हो रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स आर लैगिंग बिहाइंड द बेंचमार्क? सो यू नो ब्रिंग्स मी बैक टू द एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट। क्या ये वापस पैसिव फंड्स की तरफ टिल्ट हो रहा है? नम्रता जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम था और कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग की वजह से उनके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने इस मोमेंटम को चेज नहीं किया है। आज नहीं तो कल इन स्टॉक में सप्लाई आएगा, चाहे डाइवेस्टमेंट हो चाहे ग्रोथ कैपिटल हो। जब ये सप्लाई आएगा तब हमें पता चलेगा कौन कितने पानी में था। एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब एक निवेशक ने बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूला। निलेश भाई, आप प्रोफेशनल है, ऐसी गलती मत करिए जो मैं खुद कर सकता हूँ। हमारे लिए अच्छे बिजनेस में निवेश करना जरूरी है और सही वैल्यूएशन पे निवेश करना जरूरी है। मेरे लिए शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देना जरूरी नहीं है। 2017 में एक आईटी कंपनी थी जो इंडेक्स का भाग बनी थी, उसकी बिजनेस, उसकी वैल्यूएशन पे हमारा कंफर्ट नहीं था। वो स्टॉक इंडेक्स में 1% से 4% पे पहुंच गया। 2017 में हमारे स्मॉल मिड कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया। आज वो स्टॉक 2017 के दाम से शायद 85-90% नीचे है। तो 2017 में जो अंडर परफॉर्मेंस था 18-19-20 में हमने कवर कर लिया। जो 2023 का अंडर परफॉर्मेंस है वो 24-25 में कवर कर लेंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो गलती नहीं करें जो एक निवेशक मोमेंटम के जरिए खुद कर लेगा। ओके ओके,
जस्ट कमिंग बैक टू एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, क्या आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर हम एक्टिव और पैसिव फंड्स की बात करें, इज वन बेटर देन द अदर? सो एक्टिव और पैसिव, ये दोनों निवेशक के पोर्टफोलियो में यिन और यांग की तरह है। आप एक्टिव में तभी निवेश करेंगे जब वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। हमारी साइज बड़ी हो गई है, मार्केट इफिशियंट हो चुका है, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए हमारी वैल्यू एड दिखाने का। आज अगर आप मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखें, तो एक समय था लार्ज कैप फंड इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट यही स्मॉल कैप कुछ समय पहले इंडेक्स से 8-9% ज़्यादा रिटर्न दे रहे थे। तो ये एक साइकिल है, जो फंड अपने निवेशक के लिए बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा उसमें निवेशक निवेश करता रहेगा, और अच्छे फंड मैनेजर बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके निवेशक के लिए वैल्यू बनाते रहेंगे। हाँ, रोज इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना मुश्किल होगा। आज जैसे समय में हमें वो गलती नहीं करनी है जो निवेशक खुद कर सकता है। सो आई थिंक एनीवेज यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फंड्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बट आई थिंक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम यू नो पोर्टफोलियोज को भी फॉलो करते हैं। एज एन इन्वेस्टर मैं देखती हूँ कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, वो टॉप 10 होल्डिंग्स, तो ये कितना ज़रूरी है कि हम टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को फॉलो करें? ऑल्सो यू नो ऐसे भी बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 200-400% भी रहता है, तो क्या वो अच्छा रहता है टू गिव अस गुड रिटर्न्स? एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो पोर्टफोलियो चर्न होता है इसका फ्लिप साइड क्या होता है? सो नम्रता जी, हर पोर्टफोलियो चर्न में कीमत लगानी पड़ती है, ब्रोकरेज, एसटीटी और बेचने लेने के बीच में जो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है वो। तो एक थंब रूल है कि ज्यादा चर्न मतलब ज्यादा कॉस्ट। अब फंड मैनेजर ब्रोकर के लिए काम नहीं करता, वो अपने निवेशक के लिए काम करता है। अगर आप हमारी टॉप 10 होल्डिंग देखें, तो कुछ कुछ फंड में पिछले 5-6-7 सालों से वो टॉप 10 होल्डिंग ऑलमोस्ट बरकरार रही है। वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बिकॉज सबकी प्राइस मूवमेंट अलग होती है, बट होल्डिंग बरकरार रही है। हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। आप कह सकते हैं कि हम राहुल द्रविड़ की तरह हैं, विकेट पे खड़े रहते हैं, बुरी गेंद का इंतजार करते हैं और तभी शॉट मारते हैं। बट ये एक ही स्टाइल सही है ऐसा नहीं है। कोई फंड मैनेजर वीरेंद्र सहवाग की तरह है, वो तलवार की धार पे चलना पसंद करता है, वह ट्रेडिंग कर सकता है, आज ये स्टॉक लिया कल उसको बेच के परसों किसी और स्टॉक में चला गया। तो हर किसी को अपनी फितरत के हिसाब से निवेश करना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव एक ही है, आप निवेशक के लिए काम करते हैं, ब्रोकर के लिए नहीं। ईगो में आके मोमेंटम में निवेश करने के लिए चर्न मत बढ़ाइए। जनरली पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होता है, जब अच्छा प्रमोटर अच्छा बिजनेस हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ क्यों देना, उसके साथ शादी बना के 10-15-20 साल का व्यू क्यों नहीं ले। ओके, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न्स की अगर हम बात करें, तो डू यू थिंक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, क्योंकि यू नो जस्ट एज अ स्टैटिस्टिक नंबर कैसा होना चाहिए? कोई एक रूल नहीं है। अगर आपका फंड मैनेजर द्रविड़ जैसा है तो पोर्टफोलियो टर्नओवर नहीं ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपका फंड मैनेजर सहवाग जैसा है तो उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है। बट अल्टीमेटली स्ट्राइक रेट से ज़रूरी ज़्यादा है एवरेज कितना देता है, रिटर्न क्या बना के देता है। मोक्ष पाने के निर्वाण पाने के लिए अलग अलग रास्ता है, मोक्ष पाना जरूरी है, कौन से रास्ते पे चले वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल राइट, ओके। सो यू नो आई थिंक नीलेश जी, आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी कि एज एन इन्वेस्टर ना हमें हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि
देर आर सो मेनी असेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड सो मेनी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, और हर कैटेगरी में इतनी सारी स्कीम्स हैं एंड दैट इन इट सेल्फ इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. जब तक एज एन इन्वेस्टर मैं फेमिलियर होती हूँ नाम से, परफॉर्मेंस से, सिचुएशन बदल जाती है इन द नेम ऑफ यू नो. अगर आज हम देखें तो बहुत सारी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नाम बदल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से हाउ डज इट इम्पैक्ट मी एज एन इन्वेस्टर? सो नम्रता जी, मतलब अगर आप लेट्स से लंच के लिए बाहर निकलती है तो कितनी सारी रेस्टोरेंट आती है, बट आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाती है, दूसरा उस रेस्टोरेंट में चले गए तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, बट आप फिर चूज कर लेते कि आज इडली वड़ा खाना है, कल बिरयानी खानी है, परसों ये करना है. ये डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? हर मनुष्य में ये क्षमता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंपल करके डिसीजन ले सकता है अगर वो प्रयत्न करे तो. आप होटल के लिए जोमेटो या स्विगी जैसी ऐप के ऊपर रैंकिंग देखते हो, रिव्यू देखते हो और फिर डिसाइड करते हो जाना है नहीं जाना है. दूसरा, आप अपने मित्र मंडल में, कलीग्स में पूछ लेते हो कि भाई कौन सी रेस्टोरेंट अच्छी है और उसमें क्या अच्छा है. सो जिस तरह आप और लोगों के एक्सपीरियंस से, और लोगों की सलाह लेके अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, रेस्टोरेंट चूज कर सकते हैं, डिश चूज कर सकते हैं, सेम चीज म्यूचुअल फंड में करनी है. ग्रो की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल है. आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से मिलिए, वह भी आपको गाइड कर पाएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, डिजिटल अवेलेबल है, फिजिकल अवेलेबल है. गलती करके एक्सपीरियंस लेना, उससे अच्छा किसी और के अनुभव से सीखे और वो गलती नहीं दोहराए, उसी में फायदा है. लेकिन निलेश, अगर नाम चेंज हो रहा है किसी स्कीम का, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उस स्कीम में, क्या उनको कुछ इम्पैक्ट होता है? A rose is a rose by whatever name said, said William Shakespeare. Mutual fund scheme भी वैसी ही है. नाम बदल जाते हैं, काम तो वही रहता है. All right. You know, I love the way you explain all your answers through these wonderful analogies. So I'm sure you know everyone is understanding the concepts very brilliantly because of that. Okay. सो अभी ना सर थोड़े कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज विच आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जिनके बारे में. एंड उससे पहले आपने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. एंड आप तो ऑफकोर्स फेमस है फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स, राइट? तो आपने बोला था कि जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर होता है, ही इज़ लाइक ग्लेन मैक्सवेल, राइट? एंड आई नो कि यू लव क्रिकेट, आप बहुत सारे क्रिकेट के एग्जाम्पल्स देते हैं. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. सो नम्रता जी, जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तब हम गोरा क्या करेगा उसी को देख रहे थे. एंड हमेशा यू नो ये प्रार्थना करते थे यार कि भगवान एक दिन ऐसा आ जाए जब हम करें और दुनिया देखे. एंड 2020 से लेके इंडियन रिटेल निवेशक ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेला है. कोविड सर पे खड़ा था, देश लॉकडाउन में था, एफपीआई दबा के बेच रहा था. ऑलमोस्ट सेम जब ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट खो के अफगानिस्तान के सामने खड़ा था, रन रेट ज़्यादा था, विकेटें हाथ में थी नहीं, बट ग्लेन मैक्सवेल ने हार नहीं मानी और पीटना चालू किया. रिटेल निवेशक ने भी वही किया, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू किया, धैर्य नहीं खोया और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करके निवेश करते गए करते गए करते गए. मार्च 20 का तो समय थोड़ा छोटा था, मार्केट रिकवर भी जल्दी हो गया, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में एकदम ग्लेन मैक्सवेल की जैसे परीक्षा अफगानिस्तान के बॉलर ले रहे थे वैसा ही हुआ. $35 बिलियन का माल बेचा, 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा, क्रैम्प भी आ गए और सारी परेशानी आ गई, बट निवेशक ने धैर्य नहीं खोया, निवेश करते गए करते गए करते गए.
आज वही एफपीआई जिन्हें लग रहा था कि भारत के निवेशक को बेच के हम डरा देंगे, उनसे सस्ते में माल खरीद लेंगे, आज ऊपर के लेवल पे हमसे लेके जा रहे हैं। तो हमारा रिटेल निवेशक 2020 के बाद वाला ग्लेन मैक्सवेल की तरह है, सात विकटे गई कोई टेंशन नहीं, क्रैम्प आ गई कोई टेंशन नहीं, जीत हासिल करनी है और बल्ला घुमा के रन बनाना है। वंडरफुल, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू। आई थिंक जो मोमेंटम हमने पिछले 3 सालों में देखा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इट्स क्वाइट अमेजिंग। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू विल अग्री कि अभी बहुत वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हमने बहुत अच्छा देखा है इन द लास्ट 3 ईयर्स। ओके नीलेश जी, अब आप हम ना हमें एक कैटेगरी के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज फंड्स? यू नो, हमने रिसेंटली इन फंड्स में काफ़ी इन्फ्लोज देखे हैं इन द सेक्टोरल एंड द थीमेटिक फंड एज अ कैटेगरी। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड यू नो जस्ट लिटिल बिट अबाउट दिस कैटेगरी कि एज एन इन्वेस्टर कौन सी स्टेज पे मुझे इन फंड्स को कंसिडर करना चाहिए, एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर अगर मैं थोड़ी एक मेच्योर्ड इन्वेस्टर हूँ, एंड ऑल्सो मेरे पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए। आई गाइड यू थ्रू द क्वेश्चंस इन केस यू फॉरगेट। श्योर। सो नम्रता जी, अगर आप रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है तो पहले तो मेन डिश ऑर्डर करेगी, सूप पिया फिर खाना खाया और अंत में डेजर्ट ऑर्डर करेगी। खाने का सबसे ज़्यादा मज़ा तो डेजर्ट में ही है, लेकिन सिर्फ डेजर्ट खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। बस ये थीमेटिक और सेक्टर फंड है ना, आपके डेजर्ट हैं, मज़ा तो बहुत आता है बट बहुत ज़्यादा लेंगे तो डायबिटीज होने का डर है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एक, आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का रखिए, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप, फोकस्ड, ये टाइप का। और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो डेजर्ट की तरह थोड़े मायने में 20-25% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप थीमेटिक, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बिजनेस साइकिल हुआ, इनोवेशन हुआ, या सेक्टरल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, फार्मा हुआ, उसमें निवेश कर सकते हैं। थीमेटिक और सेक्टरल फंड में वॉलेटिलिटी नॉर्मल फंड से ज़्यादा रहेगी, रिस्क ज़्यादा रहेगा और इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो थीमेटिक और सेक्टर फंड को डेजर्ट की तरह रखिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लुत्फ लुत्फ उठाइए, और डाइवर्सिफाइड फंड है उसे आपकी मेन डिश बना के रखिए। बट नीलेश जी, मान लीजिए कि मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, जिसमें से आप बोल रहे हैं कि मैं 25 रुपया सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर क्या मुझे करना चाहिए या फिर लिटिल बिट डाउन द जर्नी? सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर पहले डाइवर्सिफाइड में रहे। सुनील गावस्कर बहुत मंझे हुए बल्लेबाज थे, अपने जमाने के दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे, बट वो जब भी इनिंग चालू करते थे तो वी में खेलते थे, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में। एक बार आंखें जम गई, बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लगा, फिर मैदान के चारों ओर घुमाते थे। तो हमें भी सुनील गावस्कर की तरह बनना चाहिए, पहले वी में खेले, विच इज लार्ज कैप फंड से लेके लार्ज एंड मिड कैप कॉन्सेंट्रेटेड फंड, ये टाइप के। एक बार आंखें जम गई, अनुभव हो गया, फिर थीमेटिक एंड सेक्टरल फंड ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि सेक्टोरल फंड्स के लिए हमारा टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए? सेक्टर फंड में नॉर्मल फंड की तरह ही 5 से 7 साल का होराइजन रखना चाहिए, लेकिन निवेश करते समय हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेक्टर फंड का रिटर्न नेगेटिव हो जाए, कम हो जाए, तब उसमें ज़्यादा निवेश आप कर सके। हमने हमेशा देखा है कि पूनम और अमास की तरह, भर्ती और ओट की तरह, सेक्टर फंड में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कल टेक्नोलॉजी चला था, परसों बैंकिंग चला था, आज इंडस्ट्रियल चल रहा है, यही पूरी साइकिल रिवर्स हो जाएगी। तो जब भी आपके थीमेटिक सेक्टरल फंड के रिटर्न कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब वहां पे जोर से निवेश करिए। श्योर। सो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है इन टर्म्स ऑफ हाउ सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स वर्क।
ओके सो निलेश जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, एंड आई डू थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है. बहुत सारे निवेशक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, ये एक निवेशक के पोर्टफोलियो में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, दैट्स वन. ऑल्सो क्या ये फंड सिर्फ वॉलिटिलिटी को मैनेज करने के लिए इनमें इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर ये फंड्स हम दूसरे सिनारियोज के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि मान लो एज अ रिटायर्ड इन्वेस्टर मैं रेगुलर इनकम देख रही हूँ, तो मैं बैफ में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर मुझे मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये फंड सिर्फ वॉलिटिलिटी को मैनेज करने के लिए हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं, या इनके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी अडेप्ट कर सकते हैं जो हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज़ कर सकते हैं. सो बैलेंस एडवांटेज फंड नम्रता जी एक हरफन मौला फंड है. बचपन में आपने सस्से और खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी. कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेजी से भागता है. बैलेंस एडवांटेज फंड को आप खरगोश और कछुआ फंड कह सकते हैं. ये जब मार्केट ऊपर जाता है बेयर मार्केट से बुल मार्केट की तरफ, तब खरगोश की तरफ भागता है, और जब मार्केट नीचे आता है बुल मार्केट से बेयर मार्केट की तरफ तो कछुए की तरह आता है. फंड ये कैसे अचीव करता है? जैसे कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो जनवरी 20 में कोविड के पहले तकरीबन 40% के आसपास इक्विटी में माल रखा था, बिकॉज मार्केट थोड़ा महंगा लग रहा था. मार्च 2020 में 75% हमने इक्विटी में एलोकेशन कर दिया, बिकॉज कोविड की वजह से मार्केट गिर गया था, वैल्यूएशन बहुत अच्छा लग रहा था. तो जब वैल्यूएशन सस्ता हो हम ज़्यादा माल खरीदते हैं, जब वैल्यूएशन महंगा हो तो कम इक्विटी रखते हैं. इसकी वजह से जो पे ऑफ प्रोफाइल आती है, चढ़ती हुई मार्केट में खरगोश की तरह है, गिरती हुई मार्केट में कछुए की तरह है. पिछले तकरीबन 5 सालों में अगर हम हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड को देखें तो वो दुगना ऊपर जाता है और एक गुना नीचे आता है. द अपसाइड डाउनसाइड रेशियो इज अबाउट 2 टाइम्स इन बैलेंस एडवांटेज फंड. ये बैलेंस एडवांटेज फंड को आप दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं. अगर आप HNI है, बहुत पैसेदार है, तो आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिल सकती है. लेट्स अज्यूम कि प्राइवेट बैंकिंग सर्विस आपकी 5-स्टार होटल है. बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ ODP होटल गिविंग 5-स्टार सर्विस. प्राइवेट बैंकर क्या करता है HNI के लिए? आपके पोर्टफोलियो को डेट इक्विटी में डिवाइड करके देता है. बैलेंस एडवांटेज फंड वही चीज रिटेल निवेशक के लिए करके देता है. मार्केट महंगा हो तो डेट ज्यादा रखेगा, इक्विटी कम रखेगा. मार्केट सस्ता हो तो इक्विटी ज्यादा कर लेगा, डेट कम कर देगा. तो ये ODP होटल गिविंग 5-स्टार सर्विस इज अ बैलेंस एडवांटेज फंड. आप उसे उस तरह देख सकते हैं. एक रिटायर्ड बंदा है, एक कंजर्वेटिव बंदा है, जो बैंक फिक्स डिपॉजिट की सेफ्टी छोड़ नहीं सकता, जिसे मार्केट के उतार चढ़ाव में डर लगता है, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक लोअर वॉलेटिलिटी एंड बेटर रिटर्न, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाला फंड है. यहाँ पे नॉर्मल मार्केट से 30-40-50% वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट जितना रिटर्न ओवर अ साइकिल आता है. तो ये एक हरफन मौला फंड है. किसी के लिए ये खरगोश और कछुआ है, किसी के लिए ये ODP होटल गिविंग 5-स्टार सर्विस है, और किसी के लिए ये मार्केट की वॉलेटिलिटी में प्रोटेक्ट करता हुआ हरफन मौला फंड है. सो डू यू रेकमेंड कि एज एन इन्वेस्टर हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये फंड? सी, अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर है जिसको न मार्केट में ज्यादा समझ है, न मार्केट से ज्यादा ताल्लुकात है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड ये वो, उसको मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सिर्फ एक फंड में निवेश करके भूल जाना है तो बैलेंस एडवांटेज में जिस दिन पैसा आ जाए डाल दीजिए और भूल जाइए. सुनीले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी जिसके जिसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है ऑफ लेट, विच इज द ELSS फंड्स. ELSS फंड्स में हमने हमेशा इसलिए इन्वेस्ट किया है कि हमें ATC में टैक्स डिडक्शन मिलेगा, एंड आई गेट दैट बेनिफिट, एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड लुक एट एन ELSS फंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. लेकिन आप हमें ये समझने की कोशिश करवाइए कि जो ELSS फंड्स होते हैं वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या ज़रूरी होते हैं या नहीं होते हैं, एंड विद द न्यू टैक्स रेजीम कमिंग इन, डू यू थिंक ELSS फंड्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए?
because you know, ELSS funds were relevant because of the tax benefit that we were getting. और जो ELSS funds होते हैं, do they have any unique benefit? कि मतलब as an investor, मैं flexi cap या multi cap fund में invest करूँ versus ELSS funds, what's the difference? So ELSS fund में tax incentive सबसे बड़ा निवेश करने का reason था, but वो tax incentive के चलते चलते उसमें 3 साल का lock in है. हमने कई बार देखा है कि फंड के इन्वेस्टर का रिटर्न और फंड का रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है. ग्लोबली एक स्टडी की गई थी जहां पे सिर्फ डेट इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में फंड के जितना रिटर्न प्राप्त किया, बिकॉज वो लोग स्टक हो गए थे, मर गए थे तो पोर्टफोलियो चर्न नहीं कर पाए. नाउ हमें तो मर के ये अचीव नहीं करना है, हमें तो ये जिंदा रह के अचीव करना है. और इसीलिए ये जो 3 साल का लॉक इन है ELSS स्कीम में, वो बहुत काम में आता है. एक बार पैसा लग गया तो आप निकाल नहीं पाएंगे 3 साल के लिए, 3 साल में कुछ ना कुछ रिटर्न बन जाएगा. दूसरा एडवांटेज ये है कि फंड मैनेजर को भी जब पता चले कि मेरे पास 3 साल का पैसा है, तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके निवेश कर सकता है, उसे लिक्विडिटी की उतनी चिंता नहीं रहेगी. अगर मुझे एक ओवर में 25 रन बनाने हैं तो मैं एक तरह से खेलूंगा, अगर 10 ओवर में 25 रन बनाने हैं तो एक तरह से खेलूंगा. तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के लिए मैं एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन यूज करना चाहूँगा. हमारे ज़माने में ये एडवर्टाइजमेंट आती थी, जो पत्नी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार. इक्विटी लिंक सेविंग्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैमिली से करे प्यार वो ELSS से कैसे करे इनकार. ओके, ऑलराइट. बट देन अगर यू नो, इसका जो लॉक इन पीरियड है, दैट्स एन अमेजिंग बेनिफिट, आई एग्री. लेकिन अगर हम सिर्फ पोर्टफोलियो की बात करें, तो मल्टी कैप फंड्स वर्सेस अ फ्लेक्सी कैप फंड वर्सेस एन ELSS फंड, व्हाट डू यू थिंक? ELSS में भी अलग अलग प्रकार के फंड मिलते हैं. जैसे हमारा फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप है, किसी और का फंड लार्ज कैप है बिकॉज साइज बड़ी है, किसी का फंड स्मॉल कैप है बिकॉज साइज छोटी है. तो ELSS में भी आपको हर प्रकार की वैरायटी मिल सकती है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो 3 साल के लॉक इन की वजह से एक मैच्योर बिहेवियर बन जाती है, उसका सबसे ज्यादा फायदा निवेशक को खुद को होता है. सो यू डू बिलीव कि बिहेवियर एक बहुत जरूरी चीज है जब हम निवेश करते हैं? यस, बिकॉज हमने हमेशा ये देखा है कि लोगों का नुकसान तब होता है जब वो भय में कोई निर्णय लेते हैं, फियर में निर्णय लेते हैं या लालच में लेते हैं. नम्रता जी, मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड टॉपिक है, 18 करोड़ लोग भारत में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके नुकसान करके बैठे हैं, 10 करोड़ लोगों ने अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी लिए गेमिंग का रास्ता इख्तियार किया जहां पे ज़्यादातर ने नुकसान किया होगा, 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने पोंजी स्कीम में पैसा लगाया, लोगों ने हथेली में चांद दिखाया, उनको लगा ये सच हो जाएगा, ब्याज तो आया नहीं, प्रिंसिपल चला गया. बार बार हम देख रहे हैं कि लोग लालच में आ जाते हैं और फिर अनाप शनाप कदम उठा लेते हैं. एंड कई बार ये भी देखा है, मार्केट में करेक्शन आता है, स्टॉक में करेक्शन आता है, और लोग खरीदने की जगह पे बेचने उतारू हो जाते हैं, डर लगता है उन्हें और वो डिसीजन गलत ले लेते हैं. इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इमोशनली नहीं, रैशनली लेना चाहिए, भय और लालच में नहीं, धैर्य से लेना चाहिए. और इसीलिए बिहेवियर ये इन निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और वही उसका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है. एंड इसीलिए ये ELSS funds have that benefit. Yes. Okay. नीलेश जी, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो काफ़ी न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो वाई आर म्यूचुअल फंड्स डूइंग समथिंग लाइक दिस?
एंड कैन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जो हम इन्वेस्टर्स हैं, क्या हम इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से बेनिफिट ट्रूली कर सकते हैं? हमने देखा था कि यू नो मेनी फंड्स इन्वेस्टेड इन द लास्ट IPO, द डिसीजन वॉज ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो IPOs को या वैल्यूएशंस को कैसे देखती है टू डिसाइड कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? So, नम्रता जी, आई एम श्योर आपने भी यही देखा होगा। जब मैं क्रिकेट देखने की शुरुआत किया तो सुनील गावस्कर मेरे लिए आदर्श थे, फिर मैं सचिन तेंदुलकर का प्रशंसक बन गया, उनके बाद मुझे विराट कोहली अच्छे लगने लगे और आजकल शुभमन गिल, रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं। एज ए फंड मैनेजर मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मूवी देखती थी, छोटा था तब अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगते थे, फिर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का समय आया, फिर बदलाव होके ऋतिक रोशन आ गए। तो समय के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में भी आपको गावस्कर से तेंदुलकर, तेंदुलकर से कोहली और कोहली से शुभमन गिल में जाना पड़ेगा। तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बट 40 साल की उम्र में तो उन्हें रिटायर होना ही पड़ेगा। आज भी तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेलने उतरे तो शायद एक आध बॉल पे तो चौका छक्का मार ही देंगे, बट वो 25 साल के तेंदुलकर की तरह तो नहीं खेल पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदले वैसे वैसे हम अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें। एक समय था जब हमने पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ की कंपनी खरीदी थी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियों पर ध्यान रख रहे हैं। एक समय था जब हमने टेक्सटाइल्स केमिकल्स कंपनी को खरीदा था, आज हम गारमेंटिंग कंपनी को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में बदलाव होगा वैसे वैसे हम पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं कि हम हमेशा तेंदुलकर, गावस्कर, कोहली और शुभमन गिल के साथ बने रहे। सो बेसिकली हमारे पोर्टफोलियोज भी टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, राइट? एंड दैट इज, या ओके, मतलब एक अगेन एक छोटा सा कपलेट है, समय समय बलवान है नहीं मनुष्य, काबे अर्जुन मारियो वही धनुष वही बाण। जो अर्जुन महाभारत के में पूरी कौरव सेना को अकेला हरा सकता था वही एक भील से हार गया था। तो ये समय समय की बात है, आपको हमेशा सही समय पे सही कंपनी में निवेश करना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके निलेश जी, अब हमें ना आप थोड़ा डेट फंड्स के बारे में बताइए। आई थिंक डेट फंड्स के बारे में उतना डिस्कशन जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर मैं असेट एलोकेशन कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा यू नो सेफर इन्वेस्टमेंट्स भी रहने चाहिए, मैं 100% इक्विटी में नहीं डाल सकती हूँ, तो दैट्स वेयर डेट फंड्स कम इन। तो एक निवेशक के पोर्टफोलियो में जो है डेट फंड्स कितने ज़रूरी होते हैं और मैं कितना एलोकेशन डेट फंड्स को कर सकती हूँ, प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। सो नम्रता जी, मार्केट जो कहे वो एक समंदर है और आपका पोर्टफोलियो उसमें एक नैया है। अब हर नैया को पार उतारने के लिए एक लंगर होना जरूरी है। जब नैया किनारे पहुंचती है उसे लहरों का सामना नहीं करना होता है, तो वही लंगर उसे बांध के रखता है। एन एंकर इज नेसेसरी फॉर अ बोट टू सर्वाइव द सी। डेट एक एंकर है पोर्टफोलियो का, वह रिटर्न नहीं देता लेकिन स्थिरता प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। जबकि आपके पास छोटी अवधि का पैसा हो, 3 महीना, 6 महीना, 3 साल, वो पैसा आप डेट प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं। जब भी लंबी अवधि का पैसा हो वो इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। एंड कितना एलोकेशन होना चाहिए डेट फंड्स का इन माय पोर्टफोलियो? अप टू 3 साल का पैसा डेट में रखिए, बियॉन्ड 3 साल का पैसा इक्विटी हाइब्रिड में डाल सकते हैं। ओके, सो यू नो एक और बहुत क्लासिक डिबेट होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लोन्स। तो यू नो पीपल आर टॉकिंग कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमने होम लोन को लिया है तो उसको प्री क्लोज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सही स्ट्रैटेजी क्या है? एंड अगर हम यू नो अगर हमारा मान लीजिए होम लोन है
तो हम SIPs को यूज करके कैसे अपने लोन्स को पे कर सकते हैं? सो नम्रता जी, देर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, देर इज अ रिस्क एंड देर इज अ रिटर्न। अगर आप होम लोन लेके घर खरीदते हैं और उसी के साथ साथ EMI जितनी SIP कर देते हैं, तो पिछला हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है कि कुछ ही समय में SIP के रिटर्न से हम EMI पे कर पाएंगे। लेकिन एज आई मेंशन, देर इज नो फ्री लंच। हम ये लोगों के ध्यान में ला के रखते हैं कि अगर मार्च 2020 में आपने देखा होता तो ये इक्वेशन सही नहीं था। तो अगर आप हमारे कोटक म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में कैलकुलेशन करके देखें, स्पेशली इक्विटी में, तो आपको लगेगा कि होम लोन लेते समय जितनी EMI है उसकी SIP कर ले, तो कुछ समय के बाद उस फंड में से SW करके आप EMI चुका सकते हैं और SIP जारी करते रहे तो लोन से ज्यादा कॉर्पस कुछ सालों में बन जाता है। बट इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, देर इज नो फ्री लंच। इस कैलकुलेशन में अंत तो अच्छा दिखता है बट बीच में अग्नि परीक्षा आ जाती है, जैसे मार्च 2020 हो, उस समय आपके सर पे EMI तो खड़ी रहेगी और आपके SIP के जरिए जो कॉर्पस बना है उसमें 30-40% कटौती बन सकती है। उस समय डरे बगैर आपको SIP चालू रखनी पड़ेगी, हो सकता है तो SIP टॉपअप करनी पड़ेगी ताकि इवेंचुअली आपकी SIP का कॉर्पस आपकी EMI भर सके या ये लोन से ज्यादा कॉर्पस खड़ा कर सके। सो ये पॉइंट टू पॉइंट तो बहुत अच्छा दिखता है, बस बीच में अग्नि परीक्षा है, वो पसार करनी पड़ेगी। बट देन जस्ट यू नो एज अ कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन, एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यू नो जस्ट प्री क्लोज करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर मी, या दोनों करना चाहिए थोड़ा बहुत? अगर आपने मार्च 2020 में अपनी SIP बंद नहीं की या SIP टॉप अप कर ली, तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बिकॉज आप एक बार अग्नि परीक्षा पसार कर चुके हैं तो दूसरी बार में बहुत तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी। बट अगर आप मार्च 2020 में डर गए थे, अपने निवेश को रिडीम कर दिया या निवेश को रिडीम करने की सोच रहे थे डर के मारे, तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जिस दिन यू नो मौका आएगा, अग्नि परीक्षा आएगी, आप उसमें से पास नहीं हो पाएंगे। ओके सो निलेश जी, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मुझे एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग इट? एंड ऑल्सो हेल्प अस फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, आई एम श्योर ऑब्वियसली आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप SIPs के जरिए इन्वेस्ट करते हैं? आर SIP समथिंग दैट यू यूज वेरी फंडामेंटली इन योर पोर्टफोलियो? एंड ऑल्सो द क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ SIPs हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, या फिर हम लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टू बिल्ड आर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? सुनम्रता जी, मॉक्स पाने के बहुत रास्ते हैं। कोई तपस्या करके मॉक्स पाता है, कोई गृहस्थ बन के चैरिटेबल काम करके मॉक्स पाता है। सेम चीज इन्वेस्टमेंट के निर्वाण की है। आप SIP के जरिए भी आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और आप लमसम निवेश करके लंबी अवधि देके आपके निशान पे मॉक्स पे पहुंच सकते हैं। बट ये सारी चीजों में जरूरी है डिसिप्लिन, ये सारी चीजों में जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप SIP कर रहे हैं तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड पकड़ लीजिए, एक आध मिड एंड स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, एक आध सेक्टरल या थीमेटिक फंड कुछ सालों के अनुभव के बाद ले लीजिए और उसमें लंबी अवधि के लिए SIP करते रहिए। जब SIP में अग्नि परीक्षा का मौका आए, आपके रिटर्न नेगेटिव हो जाए, जैसे हमने मार्च 2020 में करके दिखाया था, उस समय SIP टॉप अप करिए, SIP बंद मत करिए। फिर देखिए कैसे SIP के जरिए आपकी सब इच्छा की पूर्ति हो सकती है। बट हाउ अबाउट लमसम इन्वेस्टिंग, तो क्या हमें लमसम करना ही नहीं चाहिए या फिर सम स्ट्रेटजी वी कुड अडॉप्ट फॉर लमसम? अगेन क्रिकेट की परिभाषा में कहूं तो अच्छा बैट्समैन, सक्सेसफुल बैट्समैन वो होता है
जो यॉर्कर को छोड़ देता है, हाफ वॉली पे बल्ला घुमा के छक्का मार देता है, और बीच में जब अच्छे बॉल बुरे बॉल आए तो एक दो रन भी निकालता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने चौके छक्के मारे, कितने एक दो रन निकाले, कितने बॉल जाने दिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे विकेट पे खड़ा रहना। मार्केट है, कभी यॉर्कर देगी कभी बाउंसर देगा, तब अपनी विकेट बचा लीजिए, कभी हाफ वॉली मिलेगी तो चौका छक्का मार लीजिए, और बाकी समय में एक एक दो दो रन निकालते रहिए, अपने आप आपकी एवरेज बन जाएगी, आप सेंचुरी को पार कर पाएंगे। ओके सो नीलेश जी, अब आप हमारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बेसिक थंब रूल्स बताइए जो वो फॉलो कर सकते हैं, यू नो, टू बिकम वेरी इफेक्टिव इन्वेस्टर्स। सिर्फ तीन कहावतों को याद रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, रेगुलर SIP से आपकी फाइनेंशियल निर्वाण प्राप्त हो सकती है, दूसरा जल्दी का काम शैतान का, हर चीज का समय लगता है, निवेश में भी लंबी अवधि देना जरूरी है, बिकॉज जल्दी से तो आम का पेड़ भी मीठे फल नहीं देता, 12 साल आपको रुकवाता है, तीसरा डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक डिसिप्लिन असेट एलोकेशन रखिए, आज स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अच्छा इसलिए स्मॉल कैप में निवेश कर दिया, कल गोल्ड का रिटर्न अच्छा लगेगा इसलिए गोल्ड में निवेश कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ गोल्ड में और कुछ रियल एस्टेट में लगा के एक अपना पोर्टफोलियो बनाइए जो रियल रिटर्न दे सके, महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सके। बस ये तीन चीज फॉलो करिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वंडरफुल। ओके सो अनलेश, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारी हमें एक तो आप हेल्प अस अंडरस्टैंड, आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं, वी वुड लव टू नो सम मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, क्योंकि हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो रिपीट ना करें, सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिससे हम सीख सकते हैं, हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अभी मैनेज करते हैं। सो 1991 में जब स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी आई थी, मुझे लगा मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ, गरीबाई से ऊपर आ सकता हूँ, और बेवकूफ की तरह मैंने पैसा उधार लेके मार्केट में लगाया, स्टॉक क्या है पता नहीं था, मार्केट क्या है पता नहीं था, बट किसी ने बोला ये शेयर खरीद लो, मैं चढ़ गया। अपने माता पिता को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके लिए पैसा बना के देगा, हर कोई अपनी सोचता है, औरों की कोई नहीं सोचता। सो इसीलिए टिप्स के ऊपर भरोसा मत करिए, निवेश करना है तो खुद रिसर्च करिए या अच्छे एडवाइजर की सलाह पे निवेश करिए। दूसरी चीज, कई बार मैं मार्केट टाइमिंग करने लगा, जब मार्केट में थोड़ा थोड़ा आने लगा, अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगा, मुझे लगा कि मुझे मार्केट कहाँ जाने वाला है वो पता चल गया है, तो मैं मार्केट को टाइमिंग करने लगा, ऊपर में बेचना था नीचे में लेना था, उसमें गाड़ी ही मिस हो गई, प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रहा। तो मार्केट किसी के बस का नहीं है, हम सब मार्केट के विद्यार्थी है, कोई मार्केट का गुरु नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है। सो बेस्ट है रेगुलर SIP करिए, डाल के निवेश करके भूल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, और डिसिप्लिन असेट एलोकेशन रख के अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करिए। ओके थैंक यू नीलेश जी, जस्ट ओके लास्ट क्वेश्चन, कोई बुक रिकमेंडेशंस, ऐसे कोई बुक है जो आपको बहुत अच्छी लगती है जो चाहेंगे कि हम भी पढ़ें? नम्रता जी, पढ़ाई में कंजूसी क्यों, सामने समंदर पड़ा है, जितना पानी पी सकते हैं पी लेना चाहिए। मैं आज भी तकरीबन दिन के 2 से 2.5 घंटे रीडिंग में लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा किताबी पढ़नी हो या किंडल पे डाउनलोड करके पढ़ना हो, कोई अच्छा रिपोर्ट आ जाए व्हाट्सएप पे ईमेल के ऊपर तो वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। जितना हम पढ़ेंगे उतनी हमारी सोच बनेगी, उतना हमारा विजन विशाल होता जाएगा। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आपके पास एक ही साधन है उस बदलती दुनिया में रिलेवेंट रहने के लिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हम लोग एजुकेशन लेके नॉलेज प्राप्त करते हैं, बट किताबें पढ़ के दुनिया को देख के हमें विजडम आ जाती है,
तो एजुकेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम की जर्नी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर आप स्टूडेंट बन के रहिए, वही आपके लिए फायदेमंद है। थैंक यू सो मच निलेश जी, आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी डू होप कि हम आपको दोबारा यू नो कुछ टाइम बाद लेके आए, एंड वी आस्क यू मोर क्वेश्चंस, बट आई नो आप बहुत बिजी हैं, यू गेव अस वन आवर ऑफ योर टाइम, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नम्रता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। टेक केयर। Wow, what a wonderful conversation with Mr. Nilesh. You know, with all the examples that he gives us and all the analogies that he uses, I'm sure aap sabko ye episode bahut acha laga hoga. And I'm sure you guys are waiting for the next one. To jaldi se jo bhi humne Mr. Nilesh ke saath discussion kiya, uske points main aapke liye summarize kar deti hu. To sabse pehle humne ye discuss kiya about FIIs, ki FIIs ne jo hai India mein sirf 0.6 trillion dollars allocate kiya hai. वर्सेज चाइना जहाँ उन्होंने 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स एलोकेट किया है, एंड ऑफ कोर्स चाइना हैज बीन क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट। तो अभी अगर हम इंडिया के जीडीपी नंबर्स देखें जो काफी अच्छे हैं, क्या उसकी वजह से एफआईआईज वापस यू नो इंडिया की तरफ आएंगे? सो मिस्टर निलेश सेज कि इंडिया जो है वो 3 G's से पावर्ड है, विच इज ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, विच इज नथिंग बट रिन्यूएबल एनर्जी। और जब तक हमारे पास ये 3 G's का पावर है, तब तक FIIs जरूर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। देन वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एंड द फैक्ट कि ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स, जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी हाई रहता है, क्या ऐसे फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं? तो मिस्टर निलेश सेज कि कुछ इक्विटी फंड्स ऐसे होते हैं जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, और कुछ इक्विटी फंड्स ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो को चर्न करके बेटर रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर ये है कि इवेंचुअली आपका जो फंड है वो आपको क्या बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स दे रहा है और क्या बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है ओवर टाइम। फिर हमने मिस्टर निलेश से पूछा कि क्या हमें सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए टू जनरेट बेटर रिटर्न्स, एंड मिस्टर निलेश सेज कि जो सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स होते हैं वो आइडियली आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि उनमें वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहता है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको यू नो सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो सेज कि आपको ऐसे सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेक्टर एट दिस पॉइंट अच्छा नहीं कर रहा है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि जब वो सेक्टर अच्छा करे तो आप रिटर्न्स जनरेट कर पाए। फिर हमने मिस्टर निलेश से थोड़ा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में बात करी, एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज फंड्स इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो मिस्टर निलेश सेज कि जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं वो एक खरगोश और कछुए की कहानी के जैसे होते हैं। तो जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ये फंड्स जो हैं एक खरगोश की तरह भागते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे आ रही होती है तो ये फंड्स जो हैं एक कछुए की तरह चलते हैं। सो बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिंग एन इन्वेस्टर। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वॉलिटिलिटी से डरते हैं, से यू आर अ फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो ये फंड्स जो हैं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फिर हमने मिस्टर निलेश से थोड़े डेट फंड्स के बारे में बात करी, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेट फंड्स इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो मिस्टर निलेश सेज कि जो डेट फंड्स होते हैं वो एक जहाज के एंकर के जैसे होते हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं। सो आइडियली आपका ऐसा कोई भी फाइनेंशियल गोल है जो आपको अगले 3 साल में अचीव करना है, उसका पैसा आप डेट फंड्स में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो आपको 3 साल के बाद अचीव करना है, उसके लिए आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर निलेश से पूछा कि अगर हमारा होम लोन है तो क्या हम इक्विटी फंड में SIP करके कॉर्पस अक्यूमुलेट करके अपने होम लोन को जल्दी रिपे कर सकते हैं? सो मिस्टर निलेश सेज कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मार्केट में जो है रिस्क भी रहता है, रिटर्न भी रहते हैं। तो आइडियली अगर आप यू नो इफ यू कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एन SIP इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट मूवमेंट, तब विद टाइम आप एक सॉलिड कॉर्पस अक्यूमुलेट कर पाएंगे जो आपके होम लोन से ज्यादा होगा, और आप अपनी होम लोन को जल्दी रीपे कर पाएंगे। बट वी हैव टू बी माइंडफुल कि इसमें रिस्क होता है। तो आइडियली आपको अपनी SIPs लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर दिस अप्रोच टू वर्क फॉर यू। फिर हमने मिस्टर निलेश से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा, एंड ही सेज कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ही सेज कि आपको अपनी SIPs कंटिन्यू करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। ही ऑल्सो सेज कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, विच बेसिकली मीन्स कि आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस।
तो ही सेज रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करिए और एक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप यू हैड सम अमेजिंग लर्निंग्स फ्रॉम दिस एपिसोड। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।